जीतेगा, देश जीतेगा, भी हारेगा, देश जीतेगा, भी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों आज वर्ल्ड टीबी डे है। टीबी को भगाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है और जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मुंबई के बारे में। मुंबई में आज एक बाइक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया लोगों को जागरूक करने के लिए। इसे आयोजित किया था राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP विभाग द्वारा। डॉक्टर अर्चना ने, जो पी नॉर्थ के एक अधिकारी हैं, उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था। इस मौके पर युवा काफी खुश नजर आ रहे थे। युवाओं के साथ साथ डॉक्टर भी बाइक रैली में पहुंचे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने झंडी दिखाकर और अनिल मुरारका जी ने इस रैली को रवाना किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज जो मुहिम पी नॉर्थ वार्ड BMC और टीबी डिपार्टमेंट ने अरेंज की हुई है और उसके अंदर जो रैली उन्होंने की है, तो आज जागतिक वर्ल्ड टीबी डे है। टीबी डे प्रबोधन करने के लिए BMC ने ये अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मुझे इनवाइट किया, उसके साथ में अनिल जी भी मेरे साथ में है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम और इसका अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोविड के पीरियड में सभी का यही कहना था कि कोविड सबसे जागतिक महामारी बीमारी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के साथ में मलेरिया, डेंगू, टीबी जैसी भी बीमारी है, उसके ऊपर कॉरपोरेशन ध्यान दे रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है और हम लोग साथ सब मिलके सभी डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और टीबी डे, टीबी हारेगा तो देश जीतेगा, ये मैं फिर से कहूँगा। और टीबी वर्ल्ड टीबी डे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन पी नॉर्थ और टीबी डिपार्टमेंट ने किया, उसके लिए हमें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आज की जो रैली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी वो टीबी के अवेयरनेस के लिए, और अवेयरनेस के हिसाब से उन्होंने इनवाइट किया था, तो काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की थी पी नॉर्थ वार्ड ने और टीबी डिपार्टमेंट ने। तो ये सर आप क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? एक सवाल पूरा होने दो भाई जी, रैली के बारे में जो है। वही रैली उन्होंने जो ऑर्गेनाइज की थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से की थी और अवेयरनेस बढ़ाने के हिसाब से वो रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। सर आप क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं? मैंने पहले वही बताया कि कोरोना जैसी जो बीमारी है उसके साथ में काफ़ी सारी बीमारी है जहाँ पे महानगर पालिका कॉरपोरेशन काम कर रही है, उसमें टीबी एक ऐसी बीमारी है कि जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट कर सके। और जैसे भी मैंने कहा कि इसके पहले भी मैंने स्लोगन बताया आपको कि टीबी हारेगा तो देश जीतेगा, फिर से मैं यही कहूंगा और सब हम लोग साथ में कहेंगे कि टीबी हारेगा तो देश जीतेगा, टीबी हारेगा तो देश जीतेगा। सर आपके साथ में सोशलिस्ट हैं अनिल मुरारका जी, हमेशा आगे रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ का है मैटर हो, समाज सेवा हो। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आज की कोच के बारे में बात करें? जैसे सर ने कहा कई बीमारियाँ हानिकारक है, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगा, हर बीमारी हानिकारक है। इट इज़ द फैक्ट, आज कोई भी बीमारी को लाइटर नोट पे ना लें। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जब मैंने आज अभी समझा साहब से कि कोरोना से ज़्यादा आज टीबी का जो बीमारियाँ टीबी के जो टीबी फैल रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इट्स टाइम वी राइज एंड टुगेदर वी विन ओवर ऑल दिस इशूज़। अर्चना जी आपने सुबह से तैयारियां हैं और कितने दिन की तैयारी थी जो आज आपने पूरे बाइकर को लेकर पहुंचे? ये हम लोग 8 दिन से तैयारी कर रहे थे
वर्ल्ड टीबी डे बहुत बड़ा दिन रहता है हमारे टीबी डिपार्टमेंट के लिए। हम लोग बहुत सारे जन जागृति प्रोग्राम रखते हैं। आज हमारे पी नॉर्थ वार्ड में बहुत सारे जन जागृति प्रोग्राम है। हमने सुबह एक रैली भी किया है मालवणी हेल्प पोस्ट में KEM डॉक्टर्स के साथ, और इसके बाद हमने ये टीबी का अवेयरनेस रैली, बाइक रैली रखी थी। और इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन से हमारे पूरे स्टाफ को तैयार रहने को बोला था, बाइक लेके यहाँ पे 11 बजे पहुँचना है ये मैसेज देके उनको ऑलरेडी बोला था, और बाकी सब तैयारी हमने ये 3-4 दिन में की है। इतना कुछ होते हैं अभी कोविड के बावजूद भी बहुत गाइडलाइन के साथ आपने काम किया, ज़्यादा लंबा लेके सबको डिस्टेंस में रखा, क्या क्या गाइडलाइन थी आपकी ये सब चीज़ें? देखिए, हमारा कोविड का प्रोग्राम तो चालू ही था, कोविड के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स हम लोग सब फॉलो ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ टीबी ये भी उतनी ही भयानक बीमारी है। और टीबी जो है वो एक बार होता है तो मरीज़ को कम से कम 6 महीना दवाई खानी पड़ती है, तो टीबी में भी उतना ही ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इलाज बराबर से नहीं ले तो औषधियों को दाद ना देने वाला टीबी, जो भयानक प्रकार का टीबी होता है, वो भी हो सकता है। और उसकी फिर पेशेंट को कम से कम 18 महीने तक दवाई बराबर से ली तो वो क्योर हो सकते हैं। तो ये हमें अवेयरनेस फैलाना है कि पहले ही सब लोग अगर सिम्टम्स दिखे तो सामने आए और डॉक्टर के पास जाके तुरंत जांच कराए। और ये सब जांच और इलाज सरकारी दवाखाने हर हमारे आरोग्य केंद्र में और हॉस्पिटल्स में फ्री में दिया जाता है, एक पैसे का भी खर्च किसी को नहीं होता है। That is very important, free. सर, सबसे important ये है जो युवा है बाइक लेकर निकले हैं सर, वो कितना important, कितना बड़ा मैसेज आता है देश में ये। दोस्त, दोनों से जानना चाहेंगे। यूथ इज अ पावर हाउस। आज जितना यूथ को आप आगे लेके बढ़ोगे देश उतनी तरक्की करेगा, एंड दैट्स व्हाट इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट। यूथ वॉज अ पावर हाउस, इट इज अ पावर हाउस, इट विल रिमेन अ पावर हाउस।